गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सुबह के 8:30 बज रहे हैं, नहीं सुबह के 7:45 बज रहे हैं। ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गए हम लोग। मिंकू यहाँ रेडी हो रहा है और मेरा फेस आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है इधर से उधर, क्योंकि सूज गया है दर्द से। जो रात के साथ दर्द हो रहा था मुझे ये वाला एरिया बैक का, जिस वजह से मेरे फेस पे भी स्वेलिंग आ गई है दर्द से। टेढ़ा दिख रहा है मेरे, स्वेल लग रहा बट ये वाला सपना हल्का हल्का स्वेलिंग दिख रही है, इग्नोर करिएगा। वैसे मैं सुंदर लग रही हूँ आज, ब्यूटीफुल लग रही हूँ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अभी इसका बाल भी बनाऊंगी, रोज इसके बाल बनाते हैं। और मम्मी इसके लिए नाश्ता लेके आ रही है, हाँ यहाँ पे खाएंगे, मम्मी के रूम में खाएंगे। और इसको सिखाया मैंने कि आके टावल, गीले टावल को अच्छे से डालना है, तो इसने चेयर पे डाला है, देख गीला टावल सूख जाएगा, अदरवाइज ऐसे ही गोल गोल करके बेड पे रख देते हैं ये लोग, बदबू हो जाती है। ये मम्मी किससे कराई? आलू की स्टफिंग होगी, किससे कराए? अरे यार तो तू खाए रही साइड में, घी वाला नहीं खाओगे? कौन सा घी वाला? नहीं। क्या दिक्कत है खाने में? नहीं है। मुंह में एक चम्मच डाल दूंगी भर के घी, दूध दही, दूध दही मक्खन घी। अरे मैं वो क्या नाम है, पता नहीं क्या रखा है। अरे ये उसकी लाइट है, रात को गाना लिखता है इसको, रात को माहौल बना के गाने लिखता। काटोगे? डटोगे तुम? हाँ। तुम चल रहे हो कि नहीं? कोई बात नहीं, आ जाओ। फोन तो बैग में मिल गया, फोन मिल गया ना। नाटक करता है ना, कोई सामान नहीं लेता अपने से। बस हेलो, बाय बाय। गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया। चुंडा देखो, चुंडा मैंने बनाया, चुंडा मैंने बनाया, इसके अंदर फूल खिलेगा, फूल खिलेगा चमन चमन। निकालेगा बैग, आज मैं नहीं पाऊंगा मेरा बैग। आज धूप नहीं है लेकिन बारिश होगी कि नहीं होगी नहीं पता, होनी चाहिए, अच्छा अच्छा हो रहा है। और हम लोग आ गए स्टॉपेज पे, लेकिन शटल को आने में टाइम है, और उधर अपनी हमारी गाड़ी खड़ी है, जब तक हम चले नहीं जाते पापा वहीं पे खड़े रहते हैं, वेट करते रहते हैं। और क्या हो रहा है? और लोग चल रहे हैं रोड पे, और कुछ लोग वॉक कर रहे हैं, और बस हाँ बस आई, और चिड़िया चहक रही है। अच्छा। हाँ बैठ गए हम लोग छत में, 3675।
लंच लेके आई है आज। चने की सब्जी है, पराठे हैं और मैंगो है इसके पास। मैंगो तो मैं खाऊंगी नहीं, यही खाएगी मैंगो। और जो मैं ब्रेकफास्ट लेके आई थी ये खा लिया इसने। एक तो बहुत फनी है, आंखों ने दिख रहा था वो, इतना फनी है दिखाऊंगी तुझे, भेजूंगी भेजना आराम से। हाँ वो कभी पूछ रहा था मैं उसमें किनको कर दी थी। अरे हम लोग मीटिंग लेंगे स्पोर्ट्स वाले। हाँ दी तूफान आया बाहर, पहले मंदिर जा रहे हैं देखो। तुम्हारे लिए मैं इतनी दूर से मुंको इतना भी गए। हाँ मना कर दी, दिमाग खराब रहा था, मैं काम कर रही थी। मना कर रिंकू अकेले जा रहा है शटल में, मैं अकेले जाऊंगी। ये अपने घर जाएगा, मैं अपने घर जाऊंगी। आज शटल आ गई इसकी, आ गई आ गई। चलो जाओ, चलो बाय। कैब वालों का इशू चल रहा क्या भैया? दो से तीन बार मेरी कैब कैंसिल कर दी लोकेशन पूछ के। आपने भी पूछी, मुझे लगा अभी कैंसिल करके जाओगे। अभी जस्ट ऑफिस से निकली हूँ मैं और जा रही हूँ गुड़गांव वाले घर मम्मी पापा के पास। इनको गया शटल से, अकेले गया है वो। और आज रिशु का बर्थडे है भाई का, तो सेलिब्रेट भी करेंगे। कल एक इम्पॉर्टेंट काम है तो उसके लिए जाना है मुझे। मैं मम्मी और पापा तीनों लोग आएंगे, तभी तो घर के लिए जा रही हूँ। सवा सात हो रहे, घर आ गई मैं। अभी केक कटिंग करेंगे, खाएंगे। इतना आवाज करके कौन टीवी देखता है? पूर्णिमा यहाँ पूजा कर रही है। ये देखो बैठी है मम्मी। अच्छा बूढ़ा बूढ़ी एक साथ बैठेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ऋषि, हैप्पी बर्थडे टू यू। पापा खिलाओ, मम्मी खिलाओ। भूख लग रही है। हाँ पनीर की सब्जी और पूरी बनेगी मेरे लिए, भूख लग रही है। हाँ बनाओ ना। मेरा नया लुक है ये, मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई ये गर्दन में, पूरा दर्द जो है मेरे हाथों तक आ रहा है, यहाँ तक आ गया। आज लगाया मैंने, पापा ने दिया है, बोला इसको लगाने से ठीक होगा, क्योंकि सिस्टम पे बैठने से, सिस्टम पे काम करने से इशू आ रहा है, जिसकी वजह से सर्वाइकल वाला प्रॉब्लम हो गया। पेन तो बहुत ज्यादा है, मुझे बता नहीं सकती मैं।
और चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ इसी के साथ, और आप सबसे मिलती हूँ कल के नए ब्लॉग में। आई होप ये वाला ब्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो क्या करेंगे आप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।